19 ईयर्स ऐश्वर्या के लिए सलमान खान की जिद बवाल खड़ा कर दिया। अजय देवगन भी सन न्यू तो बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का विवादों से पुराना नाता है, लेकिन एक दौर था कि जब सलमान की जिद ने हद पार कर दी थी। ये वाकया है 19 साल पहले आई फिल्म हम दिल दे चुके संबंध से जुड़ा हुआ। ये फिल्म आज के दिन रिलीज हुई थी और इस फिल्म में ऐश्वर्या के लिए सलमान खान का पागलपन इस हद तक चला गया था कि उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया था। सलमान की दीवानगी यहां तक पहुंच गई थी कि वे रियल लाइफ तो क्या ऐश्वर्या को फिल्म की कहानी में भी पाना चाहते थे। जी हां, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय और सलमान खान की फिल्म हम दिल दे चुके सनम का अंतिम सीन तो आप सब जानते होंगे, जहां सलमान के प्यार में पागल ऐश्वर्या इन वक्त पर उन्हें छोड़कर पति अजय देवगन के पास पहुंच जाती हैं। वहीं सलमान को इस फिल्म के अंत के इस सीन से परेशानी थी। वे इसे बदलने के लिए जिद पर अड़ गए और बवाल इतना बढ़ गया कि फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली बुरी तरह नाराज हो गए। फिल्म का अंत तो नहीं बदला गया, लेकिन इसकी वजह से सलमान की इमेज और भी बिगड़ गई। ये किस्सा सलमान खान से जुड़े सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल वाक्यों में से एक है। वहीं इसके बाद ऐश्वर्या के लिए सलमान की दीवानगी भी जग जाहिर हो गई। हालांकि फिल्म के अंत की तरह सलमान की रियल लाइफ से भी ऐश्वर्या चली गई। आगे जाने सलमान की जिद क्या थी और इसके लिए किस हद तक गए थे दबंग खान और फिर आखिरकार क्या हुआ? सलमान की जिद रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान इस फिल्म का अंत कुछ और चाहते थे, लेकिन सलमान की बात से फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली सहमत नहीं थे। सलमान का क्लाइमैक्स, सलमान चाहते थे कि ऐश्वर्या अजय देवगन के पास नहीं बल्कि फिल्म में भी सलमान के ही पास लौटे। वो चाहते थे कि अंत में नंदिनी समीर की ही हो। ऐश्वर्या के लिए पागलपन, ऐसा कहा जाता है कि सलमान ऐश्वर्या को दीवानों की तरह प्यार करते थे। यही कारण था कि सलमान ने फिल्म का क्लाइमैक्स बदलने की मांग की। नहीं माने भंसाली, सलमान ने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को मनाने की कई कोशिश की। वो अपने दोस्त सूरज बड़जात्या को अपने साथ भंसाली को मनाने के लिए लेकर गए, लेकिन भंसाली नहीं माने। उन्होंने क्लाइमैक्स नहीं बदला, ऐश्वर्या की जगह करीना। खैर, ये तो था सलमान का ऐश्वर्या के लिए प्यार। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि फिल्म में नंदिनी के रोल में ऐश को लेने से पहले भंसाली इस रोल के लिए करीना कपूर को लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और फिल्म चली गई ऐश्वर्या की झोली में। ऐश्वर्या की लगन, लेकिन जितनी बखूबी से ऐश्वर्या ने इस फिल्म में अपने किरदार को निभाया है वो वाकई में तारीफ के काबिल है। ये ऐश्वर्या की लगन ही थी जो उस गर्म रेत के रेगिस्तान पर नंगे पैर चली, ऐसे मिली ऐश्वर्या। एक बार ऐश्वर्या राय संजय लीला भंसाली से मिली थी। उस समय ऐश ने भंसाली को कहा था कि उन्हें उनकी फिल्म खामोशी काफी पसंद है। उस समय भंसाली ऐश्वर्या की आंखों के एक सेपरेशन को देखते ही रह गए थे, जिसके बाद उन्होंने फिल्म में ऐश्वर्या को कास्ट करने का फैसला किया। ऐश को लगी थी चोट। ऐश्वर्या का गाना निम्बूड़ा भला कौन भूल सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाने की शूटिंग के दौरान ऐश के पैरों में सूजन आई हुई थी। बावजूद इसके ऐश ने इतना बेहतरीन डांस किया। रियल लाइफ से प्रेरित, फिल्म में सलमान जब अपने स्वर्गवासी पिता से बात करते रहते हैं, दरअसल वो सीन भंसाली की जिंदगी से प्रेरित है।